स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एक तगड़ी सी ओटमील रेसिपी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ गया है। हर कोई ओटमील खाता है, अगर जो प्रोटीन पाउडर डाल के जो ओटमील खाते हैं उनके लिए टेस्ट आ जाता है, अच्छा रहता है। अगर जो प्रोटीन पाउडर डाल के नहीं खाते उनके लिए बेसिक सी ओटमील रह जाती है। वन मंथ हो गया, वन मंथ से ये हर रोज मॉर्निंग में ये खाता हूँ। पहले एक बार ये सिर्फ मॉर्निंग में एक बार खा लेना, उसके बाद बाकी सारी जो भी गंदी चीज़ खाते। तो ऐसी अच्छी सी ओटमील रेसिपी है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं होगा, गंदे कार्ब्स होंगे, गंदा फैट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा कार्ब्स, अच्छी फैट लेवल, अच्छा खासा प्रोटीन आपको उसके अंदर से मिल जाएगा। यानी आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हो, प्री वर्कआउट में ये खा के फिर आप वर्कआउट करने जा सकते हो, बहुत तगड़ी इफेक्ट आने वाली है। जो फैट लॉस कर रहे हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है और वो अपना वेट थोड़ा कम कर रहे हैं, तो मॉर्निंग में ये आप खा सकते, कोई बैड फैट नहीं है। तो चलो बनाते हैं। सो गाइस, ओट्स प्रिपेयर करते हैं। ओट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे रॉ ओट्स, उसको डालेंगे। 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा मिल्क, स्टोरेज फुल हो गई इसलिए बीच में होगी और थोड़ा एकदम खत्म नहीं होने वाला होगा। अब इसके अंदर एक चम्मची डालेंगे पीनट बटर, एक ही चम्मच डालना। अगर आप बल्किंग साइड पे हो दो चम्मच पीनट बटर दो के लिए वो आप डाल सकते हो। इसको अच्छे से स्टर करना। वेट लॉस के अंदर आपको रॉ चीज़ इसलिए खानी चाहिए, वो आपका माइंडसेट रहता है, तो आपको रहेगा कि कुछ फुलफिल किया है मैंने। अगर आप वो शेक मैंने जो बताया था वो वाला शेक आप पी सकते हो, उसके अंदर थोड़ी कैलोरीज और थोड़ी दो तीन चीज़ें कम करके वो पी सकते हो, तो सीधा चला जाएगा। आपको लगेगा फिर दो तीन घंटे में वापस भूख लगेगी, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट। ये रॉ चीज़ है, आपको वो माइंड में रहेगा कि मैंने अभी कुछ चीज़ खाई है, तो चार पाँच घंटे के बाद वापस भूख लग सकती है, बट तब तक ये चलेगी। इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच हनी और थोड़े से नट्स। अब इसको माइक्रोवेव में भी कुक कर सकते हो, सिंपल वे में भी कुक कर सकते हो। 30 से 40 सेकेंड इसको कुक करना है, तो अच्छे से कुक हो जाएगा और उसके अंदर पफीनेस आ जाएगी। और आपको टेस्ट भी देता हूँ। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसके अंदर हम एक चीज़ डालेंगे। हेल्दी खाने के चक्कर में अपना टेस्ट सारे भूल जाते हैं, थोड़े कार्ब्स ऊपर हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके अंदर कोकोआ पाउडर भी डाल सकते हो, डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप ओरियो भी डाल सकते हो। ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी चीज़ डाल सकते हो। दो पीस इसके अंदर हम डालेंगे, टेस्ट अच्छा है पर हमने नहीं डाला प्रोटीन पाउडर, तो टेस्ट अच्छा रहेगा। नॉर्मली बॉडी अपने को चाहिए ज़्यादा वो, अपने को कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है, सिंपल जो हर कोई अचीव कर सकता है ऐसी बॉडी अपने बनाएंगे और तुमको दिखाएंगे, ऐसी हो जाए अंग्रेजी वाला ब्रेकफास्ट लग रहा है। सो गाइस, फटाफट टेस्ट भी देते हैं आपको। अच्छा एकदम। आप ये ओट्स रेसिपी ट्राई कर सकते हो, वेट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, कुछ भी वेट गेन, अगर तुम्हें ये रॉ चीज नहीं खानी तो फिर तुम शेक पे भी जा सकते हो। मैंने शेक वाली वीडियो यहाँ पे आ जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी, तो वहां जाके शेक वाली भी वीडियो देख लेना, अच्छा प्यार दिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, भूलना नहीं। डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाके भी फॉलो कर देना, वहां अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे।